अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 17, द टॉपिक इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउंस। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस क्या हैं और इन दोनों में फ़र्क क्या है। सेम इन फॉर्म, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस और एम्फेटिक प्रोनाउंस फॉर्म में बिल्कुल एक जैसे हैं, शक्ल में बिल्कुल एक जैसे हैं। माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूअर सेल्फ, दाई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, हेम सेल्फ, आवर देम सेल्फ, ये सब के सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस भी हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस भी हैं। इनके फॉर्म में कोई फ़र्क नहीं है। एक बात याद रखें कि माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूअर सेल्फ, दाई सेल्फ, यूअर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ये सब के सब रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउंस पर्सनल प्रोनाउन के पोजेसिव केस के बाद सेल्फ लगा के या सेल्फ लगा के बनाए गए हैं। ये दो जो हैं, हेम सेल्फ और देम सेल्फ, ये पर्सनल प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के साथ सेल्फ लगा के या सेल्फ लगा के बनाए गए हैं। इधर अगर कोई ये लिख दे कि हिज सेल्फ या देयर सेल्फ तो वो गलत होगा, ये हेम सेल्फ या देम सेल्फ होगा। यूअर के साथ सेल्फ भी लगता है और सेल्फ भी लगता है, क्योंकि यूअर सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। बाकी जो सिंगुलर हैं उनके साथ सेल्फ और जो प्लूरल हैं उनके साथ सेल्फ लगता है। अभी आते हैं इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, व्हाट आर द डिफरेंसेस। Reflexive pronouns are used to show that the person or thing does something to himself or itself. Reflexive pronoun में ये पता चलता है कि कोई शख्स या कोई चीज़ अपने साथ कुछ कर रहा है, खुद को कुछ कर रहा है। इसका मकसद है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही शख्स या एक ही चीज़ होगा। मतलब वो सेंटेंस हाँ जिसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा उसमें अक्सर औकात सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही होते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउंस आर यूज टू मेक द प्रोनाउन मोर एम्फेटिक। एम्फेटिक प्रोनाउन का काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये जो प्रोनाउन या जिस नाउन की जगह वो लगा होता है उसको ज़्यादा एम्फेटिक या पुरजोर बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं आपको मिसालों से समझाता हूँ। ये सेंटेंसेस जो हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की एग्जांपल्स हैं और ये जो सेंटेंसेस हैं ये एम्फेटिक प्रोनाउंस की एग्जांपल्स हैं। इनमें आप मानी पर भी गौर करें कि इनकी मानी क्या बनती है और इनकी मानी क्या बनती है। एक तो इससे आपको फ़र्क वाजे हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं ये अगर हम सेंटेंसेस से हटा दें तो इनकी मानी या तो पूरी निकलती नहीं है या मानी काफ़ी तब्दील हो जाती है। अगर ये एम्फेटिक प्रोनाउंस हम हटा दें सेंटेंसेस से तो इनके मानी में कोई ख़ास चेंज नहीं आती, सेंटेंस पूरा और मुकम्मल बाकी रहता है। आइए देखते हैं किस तरह। फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आई हेड माई सेल्फ। माई सेल्फ का कि इधर क्या मानी बन गई, खुद को। I hid myself, मैंने खुद को छुपाया। अब भी ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये हटा दिया जाए I hid तो क्या होगा, सेंटेंस ये नहीं है, फिर एक कंप्लीट सेंस नहीं देता। अभी इसको देख लेते हैं। द डोर वॉज डेफिनेटली लॉक्ड, आई लॉक्ड इट माई सेल्फ। इसके मानी है खुद, इसके मानी है खुद को। इसको हटाओ तो सेंटेंस के मानी बदल जाती हैं, बल्कि सेंटेंस कंप्लीट ही नहीं रहता। इसको हटाओ तो कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ता। आई लॉक्ड इट माइनस को, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट इसका ये है। मकसद है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये खुद ऑब्जेक्ट भी होता है, इसमें खुद ऑब्जेक्ट नहीं होता। एम्फेटिक प्रोनाउन में जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है वो खुद ऑब्जेक्ट नहीं होता। अभी सेकंड सेंटेंस, शी कट हर सेल्फ।
उसने अपने आप को काटा, उसने अपने आप को ज़ख्मी किया। अभी अपने आप को या ख़ुद को अगर हम हर सेल्फ को हटा दें तो इसकी क्या मानी बन जाएगी? शी कट, क्या वो चीज़ नहीं है? तो इट विल बी नॉट अ सेंटेंस, इसकी सेंस कंप्लीट नहीं होगी। अभी इसको देख लेते हैं, लाहौर इट सेल्फ, लाहौर खुद, इधर भी खुद, इधर भी खुद, इधर भी खुद को, इधर भी खुद को, या अपने आप को ये हटा दिया जाए, ये हटा दिया जाए तो सेंटेंस इज़ इनकम्प्लीट, ये हटा दिया जाए, ये हटा दिया जाए तो सेंटेंस इज़ कम्प्लीट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाहौर इज़ अ बिग सिटी, कम्प्लीट सेंटेंस है। थर्ड, वी नीड टू बिलीव आवर सेल्व्स मोर। अभी अगर इधर मैं आवर सेल्स को हटा दूं, वी नीड टू बिलीव मोर, क्या चीज़, किस चीज़ पर बिलीव करें? वी नीड टू बिलीव आवर सेल्स, अपने आप पर। शी बेक्ड द केक हर सेल्फ, इधर खुद, इसके माने हो जाएंगे खुद। शी बेक्ड द केक, अगर इधर तक भी हो जाए तो द सेंटेंस इज कंप्लीट, हर सेल्फ की इतनी ज़रूरत ही कोई नहीं है, ये सिर्फ एम्फेसिस दे रहा है शी पर। ही यूजुअली, अच्छा ये तो हो गए वो वाले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जिनके मानी हैं खुद को या अपने आप को, और जो कि ऑब्जेक्ट भी हैं और सब्जेक्ट भी हैं। इसमें एक बात ये याद रखें कि शी के साथ हर सेल्फ आता है, बाकी हिम सेल्फ या देम सेल्फ ऐसा कुछ भी नहीं आता। ही के साथ हिमसेल्फ आता है, द स्टूडेंट्स के साथ देमसेल्फ ही आएगा, द मैनेजर के साथ हर सेल्फ, अगर ये मेल हो तो हिमसेल्फ आएगा, इधर लाहौर के साथ इट सेल्फ आएगा, आई के साथ माई सेल्फ आएगा। मकसद है कि जिस किस्म का प्रोनाउन या नाउन आगे लगा होगा उस किस्म का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अच्छा अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले अगर बाई आ जाए तो उसकी एक मानी बनती है एलोन, अकेला, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ही यूजुअली गोज ऑन हॉलीडे बाई हिमसेल्फ, वो छुट्टी पर जाता है अकेला। द स्टूडेंट्स कुक द मील बाई हिमसेल्फ, खुद अपने आप स्टूडेंट्स ने खाना बनाया, खुद बनाया। इसका मकसद है कि विदाउट एनी बॉडीज हेल्प। अच्छा ही मेंडेड द कार हिमसेल्फ, इसको हटा दिया जाए तो सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाना, तो सेंटेंस के माने में कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट रहता है। द पी एम हिमसेल्फ अटेंडेड द पार्टी, अगर ऐसे भी हो जाए कि द पी एम अटेंडेड द पार्टी, मकसद वही है कि उसने खुद अटेंड की, हिमसेल्फ की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। आई हर्ड अलाई माई सेल्फ, अगर ये इधर तक हो जाए कि आई हर्ड अलाई तो खुद ही तो सुनी है, इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है। जस्ट इसको आई को ज़ोरदार बनाने के लिए माई सेल्फ लगाया गया है। अभी ये जो कंस्ट्रक्शन है ये भी याद रखें कि यू कुक्ड यूअर सेल्फ, अपने लिए अ कप ऑफ टी, एक तो है खुद को, एक है अपने लिए। और ये कंस्ट्रक्शन भी देखें, दे मेट द मैनेजर हर सेल्फ, अभी हर सेल्फ जो है ना मैनेजर के लिए लगा हुआ है, दे के लिए नहीं लगा हुआ, कि हम बजाते खुद मतलब कि हम मैनेजर से ही मिले, किसी और से नहीं मिले। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ज़रूरी है। इनमें एक तो है इंजॉय, एक है एब्सेंट, एक है एम्यूज, एक है ब्लेम, एक है हर्ट। इनके साथ रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन लगाना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।